हाय, चैप्टर 15 शून्य से स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि कोकोनट की ग्रोव में ये दोनों टहल रहे होते हैं, सामी भी और थाम्बी भी। और सामी ना अपने मूड में होते हैं, उनसे कहते हैं थाम्बी से कि चलो आज तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो पूछो पूछो, तुम्हारा मन जो कह रहा है पूछो। तो वो थोड़ी बात करते हैं, यूजुअली जो सामी अलाउ नहीं करते थे ज़्यादा लंबे कॉन्वर्सेशंस। तो थाम्बी कहते हैं कि सामी मुझको मैंने कभी टोडी नहीं पी, तो क्या मैं टोडी पी सकता हूँ? फिर वो बोलते हैं कि थाम्बी के सदाशिवन मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम टोडी पी लो, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो सामी करें या जो आप मेरे गुरु हैं जो आप करें वो मैं करूँ। तो सामी कहते हैं कि अगर वैसे तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ भी तो मैं तो टोडी नहीं पीता हूँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टोडी पीने की, क्योंकि तुम मुझे इमिटेट कैसे कर सकते हो अगर मैं पीता ही नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम पियो, और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मत पियो। थाम्बी कहते हैं कि लेकिन मैंने कभी नहीं पी है, और सदाशिवन कह रहे थे कि आप भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे अगर मैं कभी इसे ट्राई करूँ। तो बोले कि तुमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई गुरु क्या कर रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। तुमको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुमको गुरु की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम किसी औरत के जाके जैसे मैंने किया था ब्रेस्ट तक करते क्या? तुम ऐसा कभी नहीं करते, तो वैसे ही तुम मुझे इमिटेट नहीं कर सकते, और तुम ऐसा करना भी मत। तो वो फिर उसके बाद सामी उनको एक कहानी बताते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े गुरु थे, और वो उनकी शिष्य कई बहुत सारा एक ग्रुप था, उनके फॉलोअर्स थे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और वो कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक पब जैसा एक मदिरा की शॉप आती है, मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का। तो जो उसका जो मालिक होता है वो बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं कर पाता है कि ऐसे होली मैन से वो ये बोले कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि वो वैसे भी बार टाइप की जगह थी। लेकिन फिर वो जो गुरु थे वो खुद ही बोलते हैं कि तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोला कि आप इतने बड़े होली मैन हैं कि मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन आप आएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उनको अंदर इनवाइट करता है, पीछे से जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे आते हैं। फिर होता ये है कि वो बेस्ट ऑफ द जो हो सकता है वाइन या जो भी लिकर हो सकती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो उनको ऑफर करता है, और वो अपने मन से पीते भी हैं। और फिर क्या होता है कि उनके फॉलोअर्स इस मौके को देख के वो भी खूब मन भर के पी लेते हैं। और फिर जब जैसे वो साधु अंदर घुसे थे बिल्कुल स्टेडी आराम से, जो नॉर्मली वॉक करते हुए, वैसे ही वो नॉर्मली वॉक करते हुए बाहर आ जाते हैं, एज इफ उस चीज़ का उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी पीछे लोग थे वो सारे डोल रहे थे, सबको असर हो गया था। फिर क्या होता है कि आगे वो एक फैक्ट्री के सामने से गुजरते हैं जो कि लेड मेल्ट करती थी। तो वहाँ का मालिक उनको इनवाइट करता है कि हमारी फैक्ट्री में ब्लेस करिए। तो वो अंदर जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा मुझे प्यास लगी है, यहाँ तो और कुछ है नहीं, ये जो मेल्टेड लेड है ये तो मुझको दो। तो वो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन वो इतने बड़े महात्मा थे उनकी बात तो कोई टालता नहीं, ना ही उन पर कोई डाउट करता। तो उन्होंने उनको ऐसे करके दिया, तो वो उसको भी पी गए। फिर उसके बाद वो अपने फॉलोअर्स की तरफ देखने लगे, बोले कि बताओ तुम ऐसा तुम नहीं मुझको इमिटेट करोगे जैसे तुमने बार में किया था? ऑब्वियसली वो लोग नहीं करेंगे। सामी थे वो ये बताना चाह रहे थे कि आपको गुरु की गाइडेंस को फॉलो करना है, ना कि उनको इमिटेट करना है। क्योंकि गुरु अगर कुछ कर रहे हैं या कुछ कुछ भी वो एक्टिविटी है कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक हमेशा रीज़न होगा जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इवनिंग का टाइम होता है, और शून्य चिल्लाते हैं, सदाशिवन से कहते हैं कि मेरे लिए फिश लेकर आओ, और फिर चिल्लाते हैं कि टोडी लेकर आओ। वो फिश लेके उसको क्या कहते हैं थाम्बी के मुंह में ठूस देते हैं, कुटिया के अंदर ही होते हैं, कॉटेज में होते हैं, थाम्बी के मुंह में ठूस देते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छी है, पूछते हैं। तो थाम्बी कहता है बहुत बुरी स्मेल आ रही है। तो बोलते कि सबसे बुरी स्मेल जो होती है वो तो एक कैडेवर की ही होती है, एक सड़ती हुई बॉडी, लाश की ही होती है। तो फिलहाल वो उसको ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद उनको टोडी पिलाते हैं। तो ये वो पूरा ग्लास पलटते हैं, एक ग्लास में टोडी पलटते हैं, और उसको एक सिप लेते हैं शून्य, और उसके बाद उसको
थाम्बी को देते हैं, और थाम्बी को बिल्कुल ना ही उसकी स्मेल पसंद आती है, ना ही उसका टेस्ट पसंद आता है, फिर भी वो एक झटके में पूरा ग्लास पी जाते हैं। और उसके बाद उनको जो सेंसेशन भी आता है वो भी उनको इतना प्लीजिंग नहीं लगता है। इसके बाद क्या होता है कि अब वो अपने कॉटेज के बाहर आते हैं, क्योंकि वो डिनर तो सदाशिवन वहीं पे करते थे, तो थाम्बी तो क्या होता है कि सदाशिवन जब उनके लिए खाना लगा रहे होते हैं तो उनको टोडी की स्मेल आ जाती है। तो बोले अच्छा आप तुम भी पीने लगे, तो थाम्बी कहते हैं कि नहीं ये तो एक गुरु का प्रसाद था जो उस रीज़न से मैंने इसको लिया, लेकिन और नहीं। उसके बाद अपना डिनर करते हैं और फिर थके हारे कॉटेज में वापस आते हैं, और थाम्बी वहीं थोड़ी दूर शून्य से लेट जाते हैं, सो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब सो जाते हैं, और शून्य उनके सर सहला रहे होते हैं, पुअर बॉय, बेचारा बच्चा, ऐसे करके। इसी तरह से हमारा चैप्टर 15 ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि हम और भी नई कहानियाँ स्टार्ट कर सकें और इतना टाइम ना लगे। इसी के साथ टेक केयर एंड बाय।